नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित सक्सेना और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने डीमून ब्लॉग्स में, जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ISBT में एक 105 गज का 2 मंजिला मकान लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन मकान होने वाला है और जो ISBT के नजदीक है, ये यमुनोत्री विहार फेज 2 में है, चंदमणि रोड पर स्थित है। दोस्तों, मकान का टूर बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट पर अलग काम करते हैं। आपकी डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्ट पर अलग अलग जगह पर जा जाकर वीडियो शूट करते हैं। तो आपका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो बनता है, ठीक है? तो चलते हैं उस प्रॉपर्टी की ओर। तो दोस्तों, आ चुके हैं उस घर पे और आपको दिखाता हूँ उसका फ्रंट एलिवेशन और ये सड़क जो कनेक्ट करती है सामने मेन रोड को, ये देखिए, और इसका फ्रंट हो जाता है। लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसका पॉश एरिया। ये पॉश एरिया है और सामने आप देख सकते हैं इधर एक 2 फुट का, ये 3 फुट का अराउंड हमने ये स्पेस छोड़ा हुआ है और यहाँ पर आप अपनी बाइक और स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एक एंट्री गेट हो जाता है, या हमारा वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आ जाती है। ये एंट्री कर लेते हैं यहाँ से हम, और ये ड्राइंग हॉल से हमारी एंट्री होती है। ये पूरा आप ड्राइंग हॉल का स्पेस देखिए, कितना अच्छा स्पेस ड्राइंग हॉल का यहाँ पाया जाता है। और ये सामने ये एंट्री करने के लिए कितना बढ़िया यहाँ पर जगह दिया गया है। ये यहाँ पर डाइनिंग हॉल आ गया, ये देखिए, यहाँ से खड़े होकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना बड़ा ड्राइंग हॉल यहाँ पर आ जाता है। तो सामने वेंटिलेशन विंडो आप देख सकते हैं और यहाँ सामने की तरफ 2 बेडरूम आ जाते हैं। तो लेके चलता हूँ आपको मैं सबसे पहले इसकी किचन में। देखिए, किचन के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा वुडवर्क हो रखा है और चिमनी लगी हुई है, और यहाँ पर एक फ्रिज का स्पेस है, यहाँ पर एक छोटा सा वॉश बेसिन दिया हुआ है उसके बगल में। तो आप लेके चलता हूँ उसके उसके बेडरूम में और आपको दिखाता हूँ बेडरूम का एरिया। अब ये इसका पहला बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम में एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा बेडरूम। ये बेडरूम का स्पेस हो गया, सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है और आप देख सकते हैं वॉल पर अच्छा वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ है। ये इस समय बच्चों ने इसको स्टडी रूम बनाया हुआ है। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है, देखिए वॉशरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये रूम का स्पेस थोड़ा छोटा है, स्टडी रूम की उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपको मैं लेके चलता हूँ उसके दूसरे बेडरूम में। ये दूसरा बेडरूम आ गया है। इस बेडरूम में आप देख सकते हैं ये टीवी लगा है, ये बेड पड़ा हुआ है, ये अलमीरा लगी हुई है। और एक के पीछे के साइड आप देख सकते हैं एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है, और ये अलमीरा आप देख सकते हैं। ये इसका वॉशरूम आ जाता है। तो टोटल यहाँ पर 2 वॉशरूम हो जाते हैं और 2 बेडरूम। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी छत पर, क्योंकि ये डुप्लेक्स है। तो ये किचन की आप विंडो देख सकते हैं जीने के साइड से, वेंटिलेशन विंडो और ये कोल सीलिंग वर्क। अब मैं आपको छत पर लेके चलता हूँ, छत पर ऐसे आप छत पर से आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या बना हुआ है। देखिए, ये आपका बमटी एरिया आ जाता है, ये आप देख सकते हैं ड्राइंग हॉल का स्पेस है छोटा सा, मतलब तो ये ड्राइंग हॉल नहीं बोलेंगे इसको। ये आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन, CGL की गैस पाइपलाइन भी आ रखी है, तो गैस कनेक्शन ऑलरेडी इस मकान में हो रखा है। ये आपका जो आ जाता है आपका बालकनी एरिया। तो एंट्री करते हैं यहाँ से हम, ये आपका ड्राइंग हॉल आ गया। ड्राइंग हॉल का स्पेस काफ़ी बड़ा यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि ये छत का स्पेस है, तो जाहिर सी बात छत पर स्पेस बढ़ जाता है। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ से विंडो,
वही सेम एरिया है, वॉश बेसिन लगा है, और ये आपका आ जाती है सेम किचन, सेम साइज की किचन नीचे है, सेम साइज की किचन ऊपर है। आपको दिखाना चाहूँगा इसका मैं आपको ड्राइंग हॉल। नाउ हम जाते हैं इसके बेडरूम में। ये बेडरूम आ गया, और बेडरूम में एक वॉश, ये आपका बाथरूम, पीछे वेंटिलेशन विंडो है, ये आपकी अलमीरा लगी हुई है, काफ़ी बड़े साइज़ की अलमीरा यहाँ पर आ जाती है, और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में पूरी टाइल्स ऊपर तक दी रखी हैं, देख सकते हैं आप, ताकि आपको सीलन की प्रॉब्लम आए। तो चलते हैं इसके दोस्तों दूसरे यानी कि फोर्थ बेडरूम में। टोटल चार बेडरूम यहाँ पर हो जाते हैं। ये इसका फोर्थ बेडरूम आ जाता है, और इसका वॉशरूम। देखिए टोटल यहाँ पर चार बेडरूम और चार वॉशरूम हो जाते हैं। ये मकान टोटल 105 गज का है। तो मकान 105 गज का है। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये मकान चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।